सुन लिए भाई, गाना पवन सिंह का है जिसके एक्टिव होने से आज बहुत लोग अनएक्टिव हो गए हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि जो पवन सिंह आज लगातार गाना गाने लगा है, उसके लगातार गाना गाने से बहुत लोगों का मार्केट से क्रेज, दबदबा कम सा गया है, थोड़ा सा डाउन हो गया है। पहले से बहुत डाउन हो गया है, अब गाना नहीं आ रहा है, अब गाना आ भी रहा है सरवा चल नहीं रहा है यार, बहुत तकलीफ में जिंदगी हो गया है फिलहाल। तो हम तो खैर यही कहेंगे कि देखिए भाई, सारा कुछ मेहनत पे होता है। यही पवन सिंह जब डेली गाना नहीं लाता था तो लोग इसको बूढ़ा कह के पुकारते थे। बहुत तकलीफ में हूँ, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। यही पवन सिंह जब गाना नहीं लाता था लगातार तो लोग इनको बूढ़ा कह कह के पुकारते थे, लोग कि बूढ़ा है, नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं, नहीं आ पाता है ज्यादा गाना। खैर, उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, काहे कि अभी नया दौर है। और आइए थोड़ा सा इस गाने को साथ में सुनते हैं। तो ये गाना के नाम था आरा के हवेली। पवन सिंह का लगातार आरा पे शायद ई महीना में दूसरा गाना है। पवन सिंह का अभी आरा वाला गाना लगातार आ रहा है, इससे पहले भी एक तो ई वाला गाना आया था। जो कि बहुत ज्यादा ही ब्लॉकबस्टर रहा। और ई वाला भी गाना देखिए, ये भी लगभग इतना मिलियन व्यू तो क्रॉस कर ही गया है। और ये गाना प्रा फिल्म चैनल से आया है, जिसको गाई है अनुपमा यादव, जो बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं अगर लेडी सिंगर की बात करें तो। बाकी जेंट सिंगर का जो बात करें तो पवन सिंह भैया ना बोलेंगे, तुम चुप रहो, कुछ ना बोलेंगे। मतलब समझ लीजिए कि पवन सिंह जो भी गाते हैं भैया, ताबड़तोड़ गाते हैं, खतरनाक गाते हैं, तो इसमें हम बोलने की तो बात ही नहीं आती हमको, ठीक है। बाकी बात करें गाने की तो गाना भैया एक नंबर है, विदाउट अश्लील, नो अश्लील, अश्लील फ्री सॉन्ग। पवन सिंह का अश्लील फ्री सॉन्ग जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको, और जब अश्लील गाते हैं तो बहुत खराब लगता है, उतना ही खराब लगता है। जितना अच्छा गाना आता है उतना अच्छा लगता है, और जितना अश्लील गाना आता है उतना खराब लगता है। तो ये गाना विदाउट अश्लील है तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम दूसरा दिन आपके सामने ये बताने आ गए कि पवन सिंह का नया गाना आ गया है। तो जो लोग नहीं सुने हैं वो जाके सुनिए और अपना प्यार मोहब्बत बरसाइए, जो भी बरसाना बरसा दीजिए। बाकी हम विदा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।